finishes off in style. ये उस समय की बात है जब भारतीय टीम अपना सुनहरा दौर तलाश कर रही थी और उसे सौरव गांगुली का कप्तानी मिला था। सौरव गांगुली अपने टीम में हर उस युवा खिलाड़ी को शामिल करना चाहते थे जो उनके सोच को विश्व पटल पर लेकर जाए। उसी समय एक लड़का डोमेस्टिक सर्किट में अपने लेग स्पिन से बल्लेबाजों को छका रहा था। इस लड़के का नाम था मुरली कार्तिक और सौरव गांगुली उसे किसी भी तरह से अपने टीम में शामिल करना चाहते थे। वह टीम में आए भी और मैच भी खेले, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मुरली कार्तिक में वह सब कुछ था जो इंटरनेशनल लेवल पर टीम इंडिया को चाहिए था और गांगुली इसी की तलाश भी कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि मुरली कार्तिक का सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। अगर कोई बदनसीबी की मिसाल पूछे तो एक नाम मुरली कार्तिक का भी ले लेना, लेकिन बिना पूरी कहानी सुने नहीं। इसीलिए आइए आज आपको हम मुरली कार्तिक की कहानी सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। मुरली कार्तिक का जन्म 12 सितंबर 1976 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। वह पहले पढ़ाई लिखाई करके जेनेटिक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इस क्रिकेट का क्रेज उनको अपनी ओर खींच लाया। वह शुरू में एक तेज गेंदबाज बनने का सोच रहे थे, लेकिन बिशन सिंह बेदी, मनिंदर सिंह और वेंकटपति राजू को अपना आदर्श मानने वाले मुरली एक तेज गेंदबाज कैसे बन सकते थे। इसीलिए वह एक स्पिनर बन गए, बाएं हाथ के लेग स्पिन। मुरली कार्तिक के खेल के लिए एटीट्यूड देखकर एक बार कपिल देव ने कहा था, मैंने अपने 20 साल के करियर में इतना जुनूनी खिलाड़ी नहीं देखा है। ध्यान दीजिए कि यह उस समय की बात है जब मुरली कार्तिक इंटरनेशनल मैचों में डेब्यू भी नहीं किए थे। उस समय कपिल देव का यह स्टेटमेंट उनके डोमेस्टिक खेलों को देखकर ही आ गया था। जिसके बारे में कपिल देव जैसे दिग्गज ऐसी राय रखते हों, जरा सोचिए उसका करियर किस हद तक आगे जा सकता था। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग रहा होगा। साल 1999 के रणजी में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बूते उनको साल 2000 में हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में मौका मिल गया टेस्ट मैच से इंटरनेशनल डेब्यू करने का। मुरली कार्तिक ने इसका भरपूर फायदा उठाया और दोनों पारी को मिलाकर उनको 3 विकेट हासिल हुए। साथ ही वह पहली पारी में 14 और दूसरी पारी में 2 रन भी बनाए। हालांकि भारत यह मैच 4 विकेट से हार गया था। मुरली कार्तिक के लिए ये याद रखने वाला डेब्यू तो नहीं था, लेकिन उनकी बलखाती गेंदों ने उनको खूब तारीफ दिलवाया। यहाँ पर अब हम आपको यह बताते चलें कि मुरली कार्तिक का डेब्यू उनके परफॉर्मेंस के बूते कम और हरभजन सिंह के रिप्लेसमेंट में ज़्यादा हुआ था और यही सिलसिला हमेशा जारी रहा। मुरली कार्तिक को उस समय याद किया जाता था जब टीम में कुंबले या हरभजन सिंह नहीं होते थे, क्योंकि ये वो दौर था जब लेग स्पिनर में अनिल कुंबले और ऑफ स्पिनर में हरभजन सिंह अपना झंडा गाड़ चुके थे। मुरली कार्तिक के लिए टीम में घुसना नामुमकिन सा हो गया था। यही वजह रही जो 20 नवंबर 2004 को अपना आखिरी टेस्ट खेलने से पहले 4 सालों के दौरान वह सिर्फ 8 टेस्ट खेले थे। हम यहां पर अब आपको मुरली कार्तिक के करियर के 7वें टेस्ट की थोड़ी सी कहानी सुना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए भारत के दौरे पर आई थी। इसके पहले 2 मैच में हरभजन सिंह और अनिल कुंबले साथ खेले थे, लेकिन तीसरे मैच में हरभजन सिंह चोट की वजह से बाहर हो गए और मुरली कार्तिक को टीम में जगह मिल गई। 3 टेस्ट खत्म हो चुका था, 1 मैच ड्रॉ रहा था और 2 ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी। भारतीय टीम को अब अपने ही घर में अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलना था। 4था टेस्ट 3 नवंबर 2004 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मैच में मुरली कार्तिक के साथ अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भी खेल रहे थे। इस टेस्ट के पहली पारी में मुरली कार्तिक ने 4 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। कुल 7 विकेट निकालकर मुरली कार्तिक ने ऑस्ट्रेलियन टीम को घुटने पर ला दिया। यह मैच बस 3 दिन में ही खत्म हो गया और भारत 13 रनों से यह टेस्ट जीत गया। मुरली कार्तिक मैन ऑफ द मैच बने। यह मैन ऑफ द मैच मुरली कार्तिक के टेस्ट करियर का पहला और आखिरी मैन ऑफ द मैच साबित हुआ।
यहां से होना यह चाहिए था कि जब मुरली कार्तिक, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के रहते हुए इतनी बेहतर परफॉर्मेंस दिए तो उनको आगे और ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही उलट। इसके बाद मुरली कार्तिक को सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने को मिला, उसी साल 20 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कानपुर में। इस मैच में मुरली कार्तिक को सिर्फ 2 विकेट मिले और यह टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इसके बाद फिर कभी मुरली कार्तिक सफेद जर्सी में भारत के लिए खेलते हुए नहीं दिखे। उनके नाम 8 टेस्ट में कुल 24 विकेट दर्ज हैं। हम अगर आपको मुरली कार्तिक के वनडे करियर की बात करें तो साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने से लेकर साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेलने तक वह सिर्फ 37 मैच ही खेल सके, जिसमें उनके नाम 37 विकेट दर्ज हुए। मुरली कार्तिक के वनडे करियर का बेहतरीन लम्हा आया 17 अक्टूबर 2007 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। 7 वनडे मैचों की सीरीज का यह आखिरी मैच था। इस मैच में पहले तो मुरली कार्तिक ने 10 ओवर्स में सिर्फ 27 रन खर्च करके 6 विकेट लिए और फिर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी विकेट के लिए जहीर खान के साथ मिलकर टीम को मैच भी जितवा दिए। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। इसके बाद उनके हिस्से में सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच आया जिसमें उनको कोई भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद जब साल 2008 में IPL का दौर शुरू हुआ तो वह कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने सफर की शुरुआत किए। इसके बाद वह पुणे वॉरियर्स इंडिया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के लिए भी खेले। अपने कुल 56 मैचों के IPL करियर में वह सिर्फ 31 विकेट ही चटका पाए और फटाफट क्रिकेट का यह रूप उनको रास नहीं आया। इस बात को एक पल के लिए माना भी जा सकता है कि T20 का फॉर्मेट मुरली कार्तिक को रास नहीं आया, लेकिन वह टेस्ट और वनडे के लिए एक संतुलित खिलाड़ी थे और उनको और मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के स्टारडम के बीच में वह कहीं खोते चले गए। साल 2008 में अनिल कुंबले के संन्यास के बाद टेक्निकल रूप से यह जगह मुरली कार्तिक को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अमित मिश्रा और पीयूष चावला टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर्स के फेवरेट बन गए और एक बार फिर से मुरली कार्तिक नज़रअंदाज कर दिए गए। जो हमने दिनेश कार्तिक के साथ देखा, जो हम अभी संजू सैमसन के साथ देख रहे हैं, वह एक दौर में मुरली कार्तिक के साथ हो चुका है। अगर मुरली कार्तिक को और मौके मिलते तो वह निश्चित रूप से अपने आंकड़े को और मजबूत बना सकते थे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। ऐसे ही आप और किस खिलाड़ी की कहानी को देखना चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट में लिखिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।